दोस्तों सुजलोन अंदर जी की बात करें तो ये नए साल में पहली बार है आज जब ये स्टॉक फिर से वन डिजिट में चला गया यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई और टू डिजिट से स्टॉक आ गया है वन डिजिट में जबकि हमने देखा कि बाजार में तो जबरदस्त तेजी बनी है बीएससी सेंसेक्स में लगभग साढ़े पांच सौ पॉइंट की तेजी तो फिर सुजलोन का स्टॉक में गिरावट क्यों हुई इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे आखिर इतनी बड़ी बाजार में तेजी बनी उसके बावजूद भी सुजलोन का स्टॉक वन डिजिट में क्यों आया क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या इस समय सिलोन के स्टॉक से हमें निकल जाना चाहिए वैसे अगर आप देखें तो बजट आने वाला है हमारा फरवरी के बजट के बाद में यहाँ पे तेज़ी का दौर तो शुरू होने ही वाला है लेकिन इसके बीच में जो गिरावट हो रही है उसके क्या सिग्नल है इन सब बातों को समझने वाले इस वीडियो के माध्यम से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या छोटे से पैनी स्टॉक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लेकिन सबसे पहले अगर हम बाज़ार की आज बात करें तो बी एस सी सेंसेक्स बहुत दिन के बाद आज सिक्सटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू के स्तर पर तेज़ी के साथ क्लोजिंग दिए करीब फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू पॉइंट की शानदार तेज़ी यानी पॉइंट नाइन फोर परसेंट तेज था बी एस सी सेंसेक्स शुरुआत इतनी तेज़ी के साथ नहीं हुई थी आप देख सकते हो कि जो शुरुआत थी वो काफ़ी कमज़ोर थी लेकिन उसके बाद में एक तरफा तेज़ी का माहौल बना और बाजार में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी लेकिन इस तेज़ी के बीच में अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात निकल कर आई है कि आज जो तेज़ी बनी है वो सिर्फ निप्टी के मेन इंडेक्स के अंदर ही है यानी ये जो तेजी है इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का बिल्कुल सहयोग नहीं है बल्कि वहां पर गिरावट हुई है और नतीजा ये रहा कि हमें सुजलोन में भी गिरावट देखने को मिली अगर आज की तेजी देखें तो आपको निप्टी नेक्स्ट फिफ्टी में दिखाई देगी निप्टी फिफ्टी में दिखाई देगी करीब अच्छी जो तेजी है वो निप्टी के सबसे बड़े इंडेक्स में या करीब पॉइंट एट नाइन परसेंट की तेजी थी निप्टी फिफ्टी में इसके अलावा निफ्टी 100 में 0.79 परसेंट की तेजी निफ्टी 200 में 0.67 परसेंट की तेजी और निपटी 500 में 0.59 परसेंट की तेजी तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि निफ्टी के जो बड़े इंडेक्स हैं उनमें ही आज तेज़ी है निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे आपको पॉइंट वन थ्री परसेंट की गिरावट देखने को मिलेगी निफ्टी मिड कैप वन हंड्रेड में पॉइंट वन वन परसेंट की गिरावट स्मॉल कैप हंड्रेड में पॉइंट जीरो फोर परसेंट की गिरावट इंडिया वीएक्स भी आज टू पॉइंट एट सेवन परसेंट डाउन था निफ्टी मिड कैप वन फिफ्टी में पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप फिफ्टी में पॉइंट जीरो टू परसेंट की गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप टू फिफ्टी में पॉइंट वन फोर परसेंट की गिरावट और निफ्टी मिड स्मॉल फोर हंड्रेड में पॉइंट जीरो एट परसेंट की गिरावट तो ये तो आप क्लियरली समझ गए कि आज स्मॉल कैप में और मिड कैप में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है जबकि बाजार में हमने तेजी देखी है तो इसका मतलब ये रहा कि ये तेजी सिर्फ कुछ चुनिंदा स्टॉक में ही थी और ये भी स्पेशली अगर आप देखें तो तेजी के पीछे जो वजह बनी उसमें था एफ इंडेक्स जो वन पॉइंट परसेंट दौड़ा और बाकी आई इंडेक्स में आज पॉइंट परसेंट की तेजी थी और थोड़ी सी निपटी ऑटो में और इन्होंने मा, माहौल था वो पॉजिटिव बनाया आज जो गिरावट हुई है वो आप देख सकते हो कि मीडिया इंडेक्स में थी पॉइंट एट सिक्स परसेंट की इसके अलावा फार्मा इंडेक्स में भी पॉइंट जीरो नाइन परसेंट की गिरावट थी लेकिन जो बड़ी गिरावट हुई आज वो हुई है बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त पिटाई हुई है और टॉप फाइव जो शेयर थे उसमें तीन बड़े सरकारी बैंक थे जिनकी जबरदस्त गिरावट हुई है 1.84 परसेंट की तो इतना बड़े बाजार में तेजी के बावजूद भी आज हमने पीएसयू बैंक में बड़ी गिरावट देखी है अब यहाँ पर सुजनोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई यानी टेन पर क्लोजिंग टेन की ही थी कल की जो लो बना है वो नाइन का और दिन का हाई टेन का यानी कुछ क्षणों के लिए भले लेकिन थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया लेकिन उसके बाद में नाइन पर क्लोजिंग रही जहाँ पर हमने पॉइंट की गिरावट देखी यानी स्टॉक आ गया है वन डिजिट में और ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है और ये जो सबसे जो बड़ी बात है कि इस नए साल में ये पहली बार वन डिजिट में आया है पिछले तीन चार ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक टेन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था और टेन के आसपास क्लोजिंग दिया था तब तक ठीक था आज इसकी क्लोजिंग नीचे है वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक की तीन जनवरी को ये टेन के आसपास हम वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है और ऐसे अगर आप देखें तो इससे पहले भी ये स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था आप ये समझ ही सकते हो कि 19 दिसंबर को ये ग्यारह पॉइंट पैंसठ की प्राइस से स्टॉक लगातार गिरा और चार पाई ट्रेडिंग सेशन में ये नाइन तक आ गया था 23 दिसंबर को काफ़ी नीचे आया था लेकिन उसके बाद में फिर से इसमें तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हुई और ये टेन तक चला गया तो ये जो अपडाउन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ बड़े फंड हाउस है जो यहाँ पर जम के बड़ी खरीदारी करते हैं और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो स्टॉक लगभग पौने बारह के आसपास था वो चार ट्रेडिंग सेशन में ही नाइन पर आ गया और फिर कुछ ही समय बाद ये नाइन का स्टॉक फिर से इलेवन तक जाता हुआ दिखाई दिया तो इसके पीछे वजह यह है कि एक से डेढ़ रुपए का जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है जब क्वांटिटी आपके पास भारी है तो ऐसे में कुछ ऐसे फंड हाउस है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे स्टॉक में जिनमें वॉल्यूम ज्यादा होता है जैसे कि आप येस बैंक को समझ सकते हो सुजलॉन एनर्जी ये जो स्टॉक है इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है ये छोटे से पैनी स्टॉक है और इसीलिए यहाँ पे निवेश किया जाता है और इस निवेश के बाद में यहाँ पे जब उसको प्रॉफिट बुकिंग की जाती है तो स्टॉक नीचे आता है वो दिखाई देता है और ये आपको वॉल्यूम में भी समझ में आएगी कि वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम होता हुआ हो दिखाई देगा क्योंकि अब यहाँ पे जो बड़े फंडाउस की खरीदारी थी वो थोड़ी सी आपको थमती हुई दिखाई देगी जैसे ही बड़े फंडाउस की खरीदारी शुरू होगी स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ेगा और इसकी प्राइस भी बढ़नी शुरू होगी अभी आप देख सकते हो तो पिछले एक महीने पर इसका ट्वेंटी फोर करोड का वॉल्यूम था सिक्स करोड की डिलेवरी उठाई थी और तब इसकी प्राइस बढ़ी थी वन वीक पहले नाइन करोड का वॉल्यूम होता थ्री करोड डिलेवरी उठाई थी और कल सेवन करोड़ का वॉल्यूम था टू करोड की डिलेवरी उठाई गई और आज भी सेवन करोड का वॉल्यूम था तो वॉल्यूम काफी कम है और इसी वजह से देखे तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी नीचे आती हुई दिखाई देगी अब इसके बीच में एक अच्छी खबर यह निकल कर आई कि इस नए साल में हमें पहली बार एफ की तरफ से आज पॉजिटिव खरीदारी देखने को मिली ये पहली बार हुआ है आप देख सकते हो हमने लगातार उनकी बिकवाली देखी है काफी भारी मात्रा में 11 जनवरी को तो उन्होंने करीब थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड एट कोबीज़ की भारी बिकवाली की थी लेकिन आज उन्होंने टू हंड्रेड इलेवन कोबीज़ की खरीदारी की है यानी उनकी खरीदारी बिकवाली से थोड़ी सी आपको ज़्यादा दिखाई देगी थी दो सौ ग्यारह करोड़ की और इस महीने में टोटल उन्होंने सेवनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी एट कोबीज की बिकवाली ऑलरेडी कर दी है और वो दिसंबर से लगातार हम देख रहे जारी है लेकिन इस बार थोड़े से हमें शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर अब यहाँ पे हमारे सामने बजट आने वाला है फाइनेंशियल और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का तो क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है ग्रीन एनर्जी के लिए तो सरकार ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया है एक तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया कर चुकी है और इसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जरूरत पड़ेगी वीन एनर्जी के माध्यम से और सोलर एनर्जी के माध्यम से इसके लिए सरकार पहले स्कीम भी ऑलरेडी लाई है इसके अलावा सरकार बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो ये समझ सकते हो कि इसका जो बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है और इस बार हम बजट में ये अपेक्षा करें कि सरकार की तरफ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होगा विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए तो इसका फायदा सीधा आते हुए दिखाई दे सकता है सुजलोन एनर्जी को इसके अलावा अगर आप देखें तो इस सरकार ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है जो पुरानी विंड मिल्स है वो सारी के सारी रिप्लेस की जाएगी नई विंड मिल्स में बदला जाएगा और उनको डिसमेंटल किया जाएगा यानी करीब फोर्टी थाउजेंड रोबीज का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके ऊपर और सुजलोन एनर्जी के पास ऑलरेडी आप देख सकते हो एक एक्सपीरियंस है उनके पास वो मेंटेनेंस और सर्विस का काम करने वाली कंपनी है तो ये जितनी विंड मिल्स है ये डिस्ट्रॉय करने के बाद जहाँ पे नई स्टैब्लिश करने का काम सारा सुजलोन को मिल सकता है तो एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलोन के लिए इसके अलावा सरकार अब हर साल 8 गीगावाट के विंड पावर के प्रोजेक्ट लाने वाली है सरकारी जो प्रोजेक्ट होंगे 2030 तक ये जारी रहेंगे तो ऐसे में विन एनर्जी सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी सुजलोन है तो इसको मौका मिल सकता है ऑलरेडी ये पहले से कर्नाटका और अगर आप राजस्थान और गुजरात में इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है और वहाँ पर इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ऐसे में इसका फ़ायदा भी आने वाले समय सूजलोन को देखने को मिल सकता है एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है डाउस में देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो समिट चल रहा है और इसमें विश्व के सारे देश है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और इंडिया में भी बहुत सारे स्टेट हैं जो यहाँ पे डाउस में जा रहे हैं और वहाँ से निवेश लाने वाले हैं तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत सारी कंट्रीज है जो इंडिया में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहती है लगातार हमारे सामने बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है तो आने वाले समय में विश्व से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है क्योंकि इंडिया का जो बड़ा मिशन है ग्रीन हाइड्रोजन का इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को अब तैयार हो गई है ऐसे में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो इस सेक्टर की जितनी सारी कंपनियां उनका भविष्य तो बिल्कुल इस समय उज्जवल मुझे दिखाई दे रहा है और छोटे पैनी स्टॉक इस समय जो दिखाई दे रहे हैं वो आने वाले समय एक मल्टीबैगर आराम से बन सकते हैं तो ऐसे में अगर आप देखें तो जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों एमपी में जो ग्लोबल समिट होता तो है वहां पर भी काफी ज्यादा निवेश आया ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अब आने वाले दिनों में यूपी में ग्लोबल समिट होने जा रहा है वहां पे यूपी में भी बहुत सारा निवेश आने वाला ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे बिजनेस टाइप पहले से इस समिट के पहले ही वहां पे हो चुके ऐसे में आप समझ सकते हो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू होगा और इस बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट और हो सकती है तो मुझे लग रहा है कि इस गिराउट का आपको फायदा उठाना चाहिए और मैंने कल भी आपको कहा था वीडियो के अंदर कि कम से कम पांच साल के लिए एफडी कर लीजिए बिना डरे इसमें प्राइस चाहे नीचे आए उसे डरने की कोई बात नहीं जितना डिप में मिले खरीदारी कीजिए सूझ लो उनको को कम से कम पांच साल के लिए लेके भूल जाइए ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है आपके लिए एक साबित हो सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले, ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड